हेलो दोस्तों, अब हम एनालॉग सर्किट में जो है मॉस्फेट का जो है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की जो है एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम फाइंड करेंगे आर इनपुट आर आउटपुट। तो यहाँ पे ही मिलेगा हमें आर आउटपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पे मिलेगा आर इनपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन ओवरऑल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मार्क लेते हैं। यहाँ पे क्या जा रही होगी, आई आई जा रही होगी। यहाँ क्या होगा, ये वी आई वोल्टेज होगा। तो इसका जो है हम एसी सर्किट जो है ड्रा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये सब ग्राउंड, ये क्या होगा, शॉर्ट हो जाएंगे ग्राउंड्स का। ये देखिए ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर, ये भी क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो सर्किट हम ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी क्या है, एसी सर्किट है। इसका क्या है, हम स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करेंगे। तो इसका हम हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करते हैं विद इंक्लूडिंग अर्ली इफेक्ट, जो हमारा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में जो होता है। तो इसका देखिए ये आर सिग्नल प्लस माइनस ये वी सिग्नल। तो देखिए इसका ये जो है हाइब्रिड पाई मॉडल जो है, हमने जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा कर लिया। अब हम इसका निकालेंगे, गेन निकालेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए इनपुट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यहाँ सोर्स कनेक्ट करते हैं। तो वी आई ये क्या होगा, सिंपली आर जी होगा इनपुट रेजिस्टेंस। तो देखिए आर इनपुट कैसे निकालेंगे, वी एक्स अपॉन आई एक्स करेंगे। तो एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें करंट क्या जाएगी, जीरो जाएगी। तो यहाँ पे लगा देंगे जो है ओम्स लॉ। तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आई एक्स इंटू आर जी। तो वी एक्स अपॉन ये आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर जी। तो आर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, ये आर जी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब हम सेकेंड जो फाउंड करेंगे पैरामीटर, वो होता है आर आउट। तो आर आउट कहाँ से मेजर करेंगे, लोड से पहले जो मेजर करेंगे आर आउट। तो उसके लिए क्या है, जो हमारा सोर्स होगा उसका क्या है, शॉर्ट कर देंगे। तो उसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए हमने सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जो है हमने क्या कनेक्ट कर दिया, वी एक्स और ये आई एक्स। तो वी जी एस बराबर लिख लेते हैं पहले क्या होता है, वी जी एस बराबर होता है वी जी माइनस का वी एस। तो वी एस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपली वी जी माइनस जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ये वी जी के बराबर हो जाएगा। तो और वी जी बराबर क्या है, यहाँ पे वी आई, वी इनपुट क्या होगा, वो वी जी के बराबर होगा। अब हम वी आई की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इससे निकला, तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे लगा देते क्या आउटपुट पे के सी एल। तो के सी एल लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए वी एक्स क्या होगा, ये सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इसे नोड मान लेते हैं ए। तो के सी एल एट नोड ए की बात करते हैं। तो देखिए क्या जाएगा, जी एम वी जी एस प्लस वी एक्स अपॉन आर जीरो प्लस वी एक्स अपॉन आर डी। और ये जा रही है इंटर कर रही, तो इसे क्या ले लेंगे, माइनस का आई एक्स बराबर जीरो। ये क्वेश्चन होगी फर्स्ट मान लेते। अब हमारा काम है ये वी जी एस। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या लगा देते हैं, इसको जो इसमें क्या लगा देते हैं, के वी एल लगा देते हैं इसमें। तो देखिए क्या जाएगा, आई आई आर सिग्नल प्लस आई आई आर जी बराबर जीरो। तो ये आई आई आर सिग्नल प्लस आर जी बराबर क्या आ जाएगा, ये जीरो के बराबर। ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो आर सिग्नल प्लस आर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आई आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आई आई करंट क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। तो वी आई बराबर क्या हो गया, आर जी इंटू आई आई। तो ये क्या हो गया, आर जी इंटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो वी आई बराबर क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। और वी आई बराबर किसके है, वो वी जी एस के बराबर है, सॉरी यहाँ पे वी आई बराबर किसके होगा, वो वी जी एस के बराबर होगा। तो वी जी एस बराबर क्या होगा, वो वी आई। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो जी एम इंटू जीरो प्लस वी एक्स अपॉन आर जीरो प्लस वी एक्स अपॉन आर डी माइनस का आई एक्स बराबर जीरो। तो ये तो जीरो हो गया, प्लस ये वी एक्स अपॉन आर जीरो प्लस वी एक्स अपॉन आर डी बराबर ये आई एक्स। तो देखिए वी एक्स कॉमन ले लिया, तो एक अपॉन आर जीरो प्लस एक अपॉन आर डी बराबर आई एक्स। तो इनका जो है एलसीएम लिखे से सॉल्व कर लिया। तो वी एक्स अपॉन आई एक्स कर दिया, आर जीरो अपॉन आर डी इंटू आर डी प्लस आर जीरो। तो इसे लिख सकते हैं आर जीरो पैरेलल कैपिटल आर डी। तो ये क्या हो जाएगा, आर आउट। तो आर आउट बराबर आ जाएगा आर जीरो पैरेलल आर डी।
तो आर जीरो इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन द 10 टाइम्स ऑफ ये आर डी, तो ये जो हमारा अप्रोक्सीमेटेड जो आर आउट हो जाएगा वो हो जाएगा आर डी के बराबर, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। अब हम निकालेंगे वोल्टेज गेन ए बी, जो थर्ड पैरामीटर है। तो देखिए ए बी निकालने के लिए तो वी आई चाहिए होगा, वी नॉट अपॉन वी आई करेंगे, ये निकालेंगे हम ए बी, तो ए बी बराबर होता है हमारा वी नॉट अपॉन वी आई। तो इसके लिए तो देखिए आर ये ग्राउंडेड हो गए, तीनों हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए, आर एल आर डी और आर नॉट क्या होंगे, वो तीनों ग्राउंडेड होंगे। तो इसको या तो हम यहाँ पर के सी एल लगा दें, तो के सी एल इसे नोड मान लेंगे डी, के सी एल एट नोड डी, इसमें करंट क्या जा रही होगी मैं आई जी बराबर जीरो, तो ये तो मान नोड एट कैपिटल डी, तो ये देखिए क्या होगा वी जीरो अपॉन आर जीरो प्लस वी जीरो अपॉन आर डी प्लस वी जीरो अपॉन आर एल प्लस का जी एम वो वी जी एस बराबर जीरो। तो वी जीरो कॉमन लेंगे, इसको तो लेके जाएंगे, तो एक अपॉन आर जीरो प्लस एक अपॉन आर डी प्लस एक अपॉन आर एल बराबर माइनस का जी एम वी जी एस। तो वी जी एस की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, वी इनपुट के बराबर, या तो ऐसे करके निकाल लें वी जी एस बराबर वी जी माइनस का वी एस, तो वी एस ग्राउंडेड है, ये होगा वी जी माइनस जीरो क्या होगा वी जी। तो गेट वोल्टेज क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो गेट वोल्टेज क्या होगा वो वी आई होगा, वी जी बराबर क्या होगा वो वी आई होगा, तो वी जी एस बराबर क्या हो जाएगा वो वी आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं, तो वी नॉट यहाँ तीनों कॉमन ले लेते हैं, आर जीरो आर डी और ये आर एल, तो यहाँ लिखेंगे आर डी आर एल प्लस आर जीरो आर एल प्लस आर जीरो आर डी बराबर माइनस का जी एम वी आई। तो वी नॉट अपॉन वी आई यहाँ ले आएंगे बराबर माइनस का जी एम ये आर जीरो आर डी आर एल अपॉन आर जीरो आर एल प्लस आर जीरो आर एल प्लस आर जीरो आर डी। तो इसको लिख लेंगे वी नॉट अपॉन वी आई माइनस का जी एम ये आर जीरो पैरेलल आर डी पैरेलल और ये आर एल, ये कॉम्बिनेशन होगा। तो ये हमारा निकल के आ गया गेन ए बी। अब हम निकालेंगे ओवरऑल गेन, तो उसके क्या वी नॉट अपॉन वी एस आई चाहिए होगा, तो हमें क्या, तो ए वी बराबर आ गया माइनस का जी एम ये आर नॉट पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल। अगर हमें ए वी नॉट निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम आर एल, जो हमारा लिमिट आर एल टेन टू इन्फिनिटी और ये ए वी, तो ये हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का जी एम आर नॉट पैरेलल आर डी, तो ए वी नॉट बराबर आ जाएगा माइनस का जी एम आर नॉट पैरेलल ये आर डी। अब हम निकालेंगे ओवरऑल वोल्टेज गेन जी बी, वो होता है वी नॉट अपॉन वी सिग्नल तो देखिए ये क्या मान लेंगे आर एल डैश मान लें, आर एल डैश बराबर क्या होगा ये आर जीरो पैरेलल आर एल पैरेलल ये आर डी, ये आर एल डैश होगा ये हमारा, तो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं ये जी एम वी जी एस और ये आर एल डैश और ये क्या हो जाएगा ये वी नॉट हो जाएगा ये प्लस माइनस, ये पूरा जा रहा है ये ग्राउंडेड रहेगा, ये वी जी एस है ये आर सिग्नल है और यहाँ पे ये प्लस माइनस ये वी सिग्नल है और ये आर जी यहाँ पर गया है वी आई। तो देखिए वी नॉट बराबर क्या लिख लेंगे वी नॉट बराबर माइनस जी एम वी जी एस, इसमें करंट जा रही हुई आई आई और ये आर एल डैश, तो वी जी एस बराबर क्या हो जाएगा वी नॉट वी आई के बराबर, तो माइनस जी एम ये वी आई आर एल डैश। अब मैं निकालना ओवरऑल वोल्टेज के, तो वी आई इंटर्स क्योंकि इसमें करंट क्या जा रही होगी वो जीरो जा रही होगी,
तो वी आई, तो इसमें क्या लगा दें, वोल्टेज डिवाइडर लगा दें, तो वी आई बराबर क्या हो जाएगा, ये आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल इंटू वी सिग्नल। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो वी नॉट बराबर माइनस का जी एम, वी आई की वैल्यू क्या होगी, आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल इंटू वी सिग्नल इंटू आर एल डैश। तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो वी नॉट अपॉन वी सिग्नल बराबर माइनस का जी एम, ये आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल इंटू आर एल डैश। आर एल डैश मैंने जल्दी करने के लिए ये, आप यहाँ पे केसीएल लगाएंगे, फिर आप इसको यहाँ पे वी आई के टर्म लाएंगे, जैसे हमने गेन निकाला, फिर वी आई के टर्म में आप वहाँ पे जो है ये लिखा, ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तब ये आएगा। तो ये आर एल आर डैश एल, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी बी हो जाएगा, तो जी बी बराबर माइनस का जी एम, ये आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल इनटू का आर जीरो पैरलर आर एल पैरलर और ये आर डी, ये आया रिलेशन वोल्टेज का। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।